Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning. Welcome to online class grade 3. Hope you all are well. First, I'm going to share a screen with you. Okay, beta. Today is 6th August 2021 and day is Friday. Okay, Oxford Keyboard Book 3. Syllabus outline for first term. We have four chapters in first term. Chapter 1, operating system. Chapter 2, more about paints. Chapter 3, let's learn K-Turtle. Chapter 4, K-Turtle commands. How many chapters we have? We have four chapters in first term. We are going to start from chapter 1, operating system. Open book page number 1, chapter 1, operating system. Okay. An operating system is a very important part of a computer. Operating system जो है वो computer का एक बहुत ही important part होता है, ठीक है? Before we talk about the operating system, let us understand what a computer is made up of. अच्छा, हम operating system की बात करने से पहले हम सबसे पहले ये समझ ले कि computer जो है वो किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है? What a computer is made up of. What is a computer made up of? Okay, a computer is made up of hardware and software. Computer जो है वो किन चीजों से कुछ hardware systems में computer के अंदर कुछ hardware चीजें होती हैं, कुछ software चीजें होती हैं, उनसे मिलकर computer जो है बना है, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं कि जो hardwares में क्या-क्या चीजें आती हैं. A hardware refers to those part of a computer which you can touch or feel. Hardware जो है वो refers करता है उन parts को computer के जिन चीजों को हम touch भी कर सकते हैं और feel भी कर सकते हैं. कुछ computer के parts ऐसे होते हैं ना जिनको हम touch भी कर सकते हैं, feel हाथ लगा के देख भी सकते हैं, उनको मतलब कि touch भी कर सकते हैं और अब उनको हम हाथ में महसूस भी कर सकते हैं कि ये कैसे हैं, ठीक है? सही. अब हार्डवेयर में कौन कौन से आते हैं, ठीक है? पार्ट्स कंप्यूटर के. ओके, हार्डवेयर में सीपीयू है, ठीक है? कंप्यूटर का पार्ट है, मॉनिटर है, इसके अलावा प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है. ये वो तमाम पार्ट्स हैं जो हार्डवेयर में होते हैं, ठीक है? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड माउस, ये वो तमाम पार्ट है. जैसे कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर जो है बेसिकली वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है? सही है. हमारा चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एनेबल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू वर्क विद अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. And basically a computer is made up of hardware and software. Hardware refers to those part of a computer which you can feel and touch. Hardware, the parts of hardware are CPU, monitor, keyboard, printer and mouse. Okay. अच्छा, यहाँ पे बुक में कुछ और भी नेम्स लिखे हुए हैं आपके हार्डवेयर के, जो है क्या नाम है पार्ट्स के, जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनमें सीपीयू मैंने आपको बता दिया, मॉनिटर मैंने आपको बता दिया, कीबोर्ड मैंने आपको बता दिया, माउस भी बता दिया, प्रिंटर भी बता दिया मैंने आपको, स्कैनर भी होता है, ठीक है? ये भी एक जो है कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है? एंड माइक्रोफोन आर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. ये वो तमाम एग्जाम्पल्स हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की, ठीक है? Input devices, the processing unit, storage devices, and output devices are all examples of computer hardware. अच्छा, the processing unit or storage device or output device है, ये भी तमाम examples हैं computer hardware की. अब हम आ जाते हैं software की तरफ, ठीक है? Software refers to a set of program, a set of instruction given to the computer. Software जो है वो refers करता है set of program को, set of instructions given to computer. ठीक है, दैट परफॉर्म्स सम टास्क इन अ कंप्यूटर. वो टास्क कुछ परफॉर्म करता है, कुछ कंप्यूटर के टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है? सही है. सम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर एमएस विंडोज, एमएस ऑफिस, के टर्टल,
Adobe Flash and Adobe Photoshop. When you start your computer, the operating system software also start with it. ओके यहाँ पे जो है ना कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हुए हैं, ये जो है आप लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे तो आपको इन चीजों के बारे में पता चलेगा. एमएस विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, के टर्टल है और अडोब फ्लैश है एंड अडोब फोटोशॉप है. व्हेन यू स्टार्ट अ कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो स्टार्ट विद इट. जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना तो एक हमारे ना स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर आती है, ठीक है, वो उसके साथ स्टार्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है. व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो स्टार्ट विद इट. जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर पे स्टार्ट होता है, ठीक है. ओके बेटा, आपको जो मैं एक बात बता दूं, क्या नाम है आपका जो है ना, ये जो आपको सिलेबस आउटलाइन शेयर की गई है ना, वो आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है, ठीक है. अब हम आ जाते हैं अपने आगे की तरफ, ठीक है. सॉरी मैंने बीच में आप लोगों का ब्रेक कर दिया. इस तरह का सम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, एमएस विंडोज 7 है, एमएस ऑफिस 2013 एक्सेट्रा. अब मैं आपको बता दूं एमएस स्टैंड फॉर क्या है. MS जो है वो स्टैंड फॉर है माइक्रोसॉफ्ट द कंपनी दैट हैज क्रिएटेड द विंडो एंड ऑफिस सॉफ्टवेयर. अच्छा, कंप्यूटर जो है बिल्कुल यूजलेस होता है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के. आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं होगा अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ठीक है. आगे हम फर्दर अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. यहाँ तक आप प्लीज रिव्यू कीजिएगा तमाम चीजों को, ठीक है. आपसे फीडबैक सेशन में आपसे सवाल किए जाएंगे तो प्लीज आंसर कीजिएगा. जब आपसे क्वेश्चन किए जाए तो उसका आंसर कीजिएगा फीडबैक सेशन में. अब आ जाते हैं हम अपनी क्लास वर्क की तरफ. ओके, आपने ये इसको क्लास वर्क को कॉपी में करना है, नोटबुक में करना है आपने. फर्स्ट यू हैव टू राइट सिलेबस इन योर कॉपी, देन यू हैव टू राइट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर. ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर, आईकॉन्स, डेस्कटॉप, फोल्डर. A dash is used to store a group of files. A dash is used to store a group of files. अच्छा, कंप्यूटर में ना जब मुझे वर्किंग करनी होती है और जब मेरे पास बहुत सारी फाइल्स होती है ना, तो मैं उन्हें क्या करती हूँ, एक फोल्डर में मर्ज कर देती हूँ. मैं क्या करती हूँ, एक फोल्डर बना लेती हूँ. जैसे मेरे स्कूल का एक फोल्डर बना हुआ है, मेरी उसमें सारी ग्रेड वन की वर्किंग होती है, ठीक है. इस तरह से मैं फोल्डर बना लेती हूँ तो वो उसे क्या कहते हैं, फोल्डर कहते हैं. अब फोल्डर इज यूज्ड टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ फाइल, जिसमें मैं बहुत सारी फाइल्स अपनी स्टोर कर लेती हूँ, ठीक है. इस फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या आएगा, अ फोल्डर इज यूज्ड टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ फाइल. फर्स्ट ब्लैंक का आंसर है फोल्डर. ओके, नेक्स्ट. Dash operating system are generally used at home. Single user. The task bar is a long horizontal bar at the bottom of the dash, bottom of the desktop screen. Desktop and dash is a software that helps the user to work with the computer. An operating system. बेटा आपने ये वर्क जो है अपनी कॉपी में करना है, ओके. ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system is a software that helps the user to work with the computer. Operating system एक software है जो user को help करता है ताकि वो work कर सके computer के पर. The small pictures on the desktop are called icons. अब छोटी छोटी pictures देख रहे होते हैं desktop पे, उन pictures को क्या कहते हैं, icons. Go through chapter operating system, जहां तक आपको explanation दी गई है
उसका बहुत अच्छे तरीके से थॉरली आप इसको रिव्यू कीजिएगा और वीडियो वॉच कीजिएगा, सही से लेसन को समझिएगा, ठीक है। आपसे फीडबैक सेशन में आपसे इसके इससे रिलेवेंट क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। डू कंप्लीट बुक पेज नंबर 7 इन नोटबुक। आपने पेज नंबर 7 पे जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाए गए हैं इसको आपने नोटबुक में करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।